उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही शीतलहर का सितम भी जारी है। घना कोहरा भी हो रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में शीतलहर चलने की संभावना है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। IMD के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक उत्तर भारत में सुबह और शाम घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, कई ट्रेन देरी से चल रही है। वहीं देश के उत्तर पश्चिम राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में अगले 5 दिनों तक कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने पंजाब के लिए 19 जनवरी तक घना कोहरा पड़ने और कोल्ड डे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा में ठंड तेजी से बढ़ रही है। मौसम में अचानक हुए बदलाव के चलते बुधवार को करनाल का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम में बदलाव के चलते रात में ही घना कोहरा छाया रहा। वहीं झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम के उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारी भी बढ़ रही है। शहर के लोग सर्दी जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। बच्चे अधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। आज यानी 18 जनवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावा, निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी और उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, गोड्डा, पाकुड़, गिरडी और साहेबगंज के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी राज्यों में बारिश की बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की उम्मीद है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। बुधवार को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के अलावा औली और हेमकुट साहिब में बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली। कारोबारियों को लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था। बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में कड़ाके की शीतलहर चल रही है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर 3 इंच हिमपात हुआ है। मनाली लेह मार्ग पर पड़ते सभी दर्रों में बर्फ की सफेद परत बिछ गई है। बारालाचा, लालुंगला, तंगलागला और शिकुंगला दर्रे में हिमपात हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में कुछ असर होगा, जिससे बारिश और हिमपात हो सकता है।